पुष्पा टू नहीं हट रही है भाई, वहाँ से नहीं हट रही है। मैं देखा छावा का टीज़र देखा मैंने, बहुत बढ़िया टीज़र लगा भाई मेरे को, बहुत बवाल टीज़र लगा। आई डोंट नो कि क्या मेरे को एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा, बट छावा का मेरे को पता है कि एक स्टेट के अंदर से भाई वो फिल्म 50 से 60 करोड़ 70 80 करोड़ निकालेगी, इतना मैं डैम श्योर हूँ। बहुत खतरनाक टीज़र लगा मेरे को उसका। बट पुष्पा भाई, पुष्पा एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके सामने भाई कोई भी खड़ा हो जाओ, कोई भी लिटरली ऐसा समझता हूँ कि कोई भी खड़ा हो जाओ भाई, वो मूवी पूरा का पूरा मसल के चल देगी। हाँ मे बी ये हो सकता है छावा रिलीज़ हो जाए उसके सामने, और छावा अपने स्टेट के हिसाब से जितना कलेक्शंस वो एक्सपेक्ट कर रही है उतने कलेक्शंस के साथ वो फिल्म मतलब सुमड़ी से बीच से निकल कर एक हिट टैग लेकर चला जाए, तो ये हो सकता है। बट अब मैं डैम श्योर क्लियर हो चुका हूँ पोस्टर आने के बाद कि पुष्पा 6 दिसंबर को ही रिलीज़ होगी, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट डेट मेरे को जहाँ तक पता है, क्योंकि 2025 में इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है फिल्मों का कि जहाँ पर पुष्पा 2 को रिलीज़ करना इट्स लाइक उनको एक सोलो 2 वीक का फ्री रन चाहिए रिकॉर्ड बनाने के लिए, ऑल इंडिया रिकॉर्ड तैयार करने के लिए। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि 6 दिसंबर 2024 इज़ द बेस्ट डेट टू रिलीज़ दैट फिल्म, और वो लोग भाई अड़े हुए हैं उस रिलीज डेट में अड़े हुए, चाहे सामने कोई भी फिल्म का अनाउंसमेंट हो कोई भी फिल्म का टीज़र हो। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि दैट विल बी अ ब्लंडर मिस्टेक कि छावा इतनी अच्छी टीज़र मेरे को सड़ेली फिल्म होती थी, सड़ेला टीज़र लगा मेरे को लगता तो डैम श्योर मैं एक ही चीज़ बोलता था भाई कुचल के चली जाएगी, या तो कुचल के जाएगी या तो कंगना रनावत जैसी सिर्फ अनाउंसमेंट, इस तारीख को दिवाली, दिस दिवाली कंगना रनावत एमरजेंसी 3, तो ऐसी चीज़ें वो कर सकते हैं अगर सडनली फिल्म होती तो। बट मेरे को टीज़र बहुत ख़तरनाक लगा, तो सो इट विल बी अ ब्लंडर डिसीजन कि अगर वहाँ पर फिल्म को रिलीज़ किया जाए, बिकॉज पुष्पा 2 6 को आएगी डैम श्योर हो गया भाई वो फिल्म आएगी और वो फिल्म इतिहास लिखेगी, रिकॉर्ड बस्टर बना कर जाएगी। क्रिसमस में कौन सी मूवी आ रही है, सितारे ज़मीन पर, भाई उसका मैं नहीं बोल सकता हूँ, अगर वो आमिर खान का येड़ा लेवल वाला दिमाग अगर हुआ उसमें जो पहले लगाता था सिंस 2008 वो वाला आमिर खान हुआ, तो भाई डिस्ट्रक्शन का लेवल इतना ख़तरनाक हो जाएगा कि मतलब जिसका भाई जिसका डैमेज का डैमेज जोन जो होता है ना उसकी रिकवरी नहीं हो सकी बॉक्स ऑफिस के अंदर में। लेकिन ऑन अदर हैंड मेरे को लग रहा है कि वहाँ पर कोई और मूवी भी रिलीज़ हो रही है, अटली की मूवी रिलीज़ हो रही है बेबी जॉन, तो आई थिंक वो पोस्टपोन्ड हो जाएगी पुष्पा अगर 6 तारीख को रिलीज़ हो रही है तो लेट्स सी क्या होता है। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि पुष्पा विल क्रिएट राइट एट द बॉक्स ऑफिस भाई, तूफान टोर्नाडो सुनामी लेकर आएगी वो। तो मिलते हैं अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए।